आपकी सर जी। तो मैं इनके परिवार के पास आया हूँ सर, जी। तो आपसे एक बार बात करना चाह रहे हैं सर। जी सर, डीजीपी साहब है सर। नमस्कार। नमस्कार संतराम जी, मैं देवेंद्र सिंह चौहान डीजीपी यूपी पुलिस बोल रहा हूँ जी। और मुझे आपसे ये जरूर कहना था कि आपका बेटा संदीप हमारे फोर्स का एक बहुत बहादुर सिपाही था और उसने अपनी ड्यूटी कर्तव्य के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। विभाग उसकी याद को हमेशा अपने पास संजो के रखेगा जी। और आज मैंने आपके पास में एसएसपी आजमगढ़ को इसीलिए भेजा था जी। एक तो आपसे बात करा दें और दूसरा ये बताने के लिए कि पुलिस फोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, पीपीएस अधिकारी हैं, ये सब एक परिवार के रूप में हैं। अपने बच्चों का साथ कभी छोड़ते नहीं हैं और आपके परिवार का हम लोग ख्याल रखेंगे जी। आप इसकी संदीप की पत्नी का क्या हालचाल है अभी? ये ग्लूकोज चढ़ रहा, तबीयत खराब थी। अच्छा, इसको अलग से कोई डॉक्टरी इलाज कराना हो तो आप बता दीजिएगा तो हम अभी एसएसपी को बोल देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे और इलाज का सारा खर्चा हम लोग ही इसको वहन करेंगे। जो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और इनके जितने देयक हैं वो अभी मैं सीपी प्रयागराज को बता दूंगा तो जल्दी इनको बनवा देंगे जी। जी सर। और एक अधिकारी की ड्यूटी लगाइए कि मतलब अभी तो कुछ दिन तो एक दिन छोड़ के आए, डेली आए थाना अध्यक्ष, डेली इनका पूछ हालचाल ले जाके ताकि कहीं कोई इनको परेशानी ना हो जाए। और इसका जो संदीप की पत्नी है उसके इलाज का आप ठीक से व्यवस्था करा दीजिए। हाँ, चाहे तो अपने साथ ले जाइएगा और हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिएगा, इन लोगों के रहने के खाने का इंतजाम करा दीजिएगा वहां पर। बिल्कुल सर। ठीक है, एक परिवार के रूप में इनको हाथ पकड़ के रखिए, इनका छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ध्यान रखूंगा सर, बिल्कुल सर। ठीक है, जरा इनसे संतराम जी से बात करा दीजिए। हेलो। हाँ संतराम जी, मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैं एसएसपी साहब को बोल दूंगा, आपके इनको लिख के दे देंगे। 94544-00121 है, वो मैं अपने पास ही रखता हूँ। तो ये इस पे अभी कोई बात हो, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आप हम मजबूती से हौसले से रहिए, उसने अपनी कुर्बानी दी है और ईश्वर जरूर उसकी आत्मा को शांति देगा। आपके जितने भी आयोजन होंगे उनका भी हम ख्याल रखेंगे। जी ठीक है, कोई और बात आपको कहनी हो तो आप मुझे बता दीजिए। सर नौकरी चाहिए और मुआवजा, घर तो एक दूसरे घर में रहता हूँ, वो चाचा जी का था। ठीक है, अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके आपका जो सरकारी आवास बनते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में या राज्य सरकार की आवास योजना में, वो प्रयास करके स्वीकृत करवा देंगे, आपका पक्का मकान बनवा देंगे और बाकी और भी व्यवस्था हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके वो पूरी करवा देंगे। जो है सर, जो रोड है हमारे घर तक का रोड होना चाहिए और क्या नाम से शहीद आश्रम भी होना चाहिए। ठीक है, वो भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके आपके गांव की सड़क भी पूरी बनवा देंगे और बाकी अन्य जितनी व्यवस्थाएं वो करवा देंगे। जी ठीक है, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा और कभी कोई दिक्कत हो तो तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। जय जय।